हेलो एंड वेलकम टू जी मैक्स स्टूडियोज। मेरा नाम है गोर्की एम और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैनन कैमरा के फर्मवेयर को कैसे अपग्रेड किया जाता है। एक बहुत जरूरी बात है कि फर्मवेयर अपग्रेड करने से पहले एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बैटरी 100% चार्ज्ड होनी चाहिए। ऐसा ना करने से हो सकता है कि ये फर्मवेयर अपडेट बीच में ही रुक जाए और आपका कैमरा खराब हो जाए। तो सबसे पहले ये करना है कि मेन्यू में जाके अपना फर्मवेयर वर्जन चेक करना है और फिर वेबसाइट पे जाकर चेक करना है कि आपके कैमरा मॉडल के लिए कोई फर्मवेयर अपग्रेड अवेलेबल है या नहीं। वेबसाइट की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। अगर फर्मवेयर अपग्रेड अवेलेबल है तो उसे आपको डाउनलोड करना है। ध्यान रखिए कि मैक और पीसी की अलग अलग फाइल्स होती हैं, तो अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आपके लिए अलग फाइल होगी और अगर आप मैक यूजर हैं तो आपके लिए अलग फाइल होगी। इसके बाद आपको अपना मेमोरी कार्ड कैमरे के अंदर ही फॉर्मेट कर लेना है। एक बार आपका मेमोरी कार्ड फॉर्मेट हो गया तो आपको डाउनलोड की हुई फाइल को एग्जीक्यूट करना है या अनजिप करना है। हम जब इस फाइल को एग्जीक्यूट या अनजिप करेंगे तो हमें इसमें एक .fir नाम की एक फाइल मिलेगी। उस फाइल को हमें मेमोरी कार्ड की रूट में खींच के ले जाना है या कॉपी कर देना है। इसके बाद दोबारा मेन्यू में जाकर जब हम वर्जन पे आते हैं तो देखेंगे कि वहां पे हमको एक अपडेट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब हम अपना फर्मवेयर अपग्रेड करेंगे। इस प्रोसेस में हो सकता है कैमरा थोड़ा वक्त ले। इसके बाद हम अपने कैमरा को स्विच ऑफ करते हैं और दोबारा जब मेन्यू में जाके फर्मवेयर वर्जन देखते हैं तो देखते हैं कि हमारा कैमरा नए फर्मवेयर से अपग्रेड हो गया है। फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग के बारे में और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जी मैक्स स्टूडियोज हिंदी को तो सब्सक्राइब कीजिए ही, लेकिन साथ में हमारे मेन चैनल जी मैक्स स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।